जेएनयू परिसर में छात्र संघ के प्रदर्शन के बीच रविवार शाम नकाबपोशों लोगों ने छात्रों पर हमला बोल दिया। हथियारों से लैस नकाबपोश जेएनयू परिसर में घुस गए और 4 घंटे तक परिसर में बवाल मचाते रहे। अज्ञात नकाबपोशों ने साबरमती हॉस्टल, साबरमती टी पॉइंट सहित कई हॉस्टल में जमकर तोड़फोड़ की। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रविवार शाम छात्र संगठनों में हुई झड़प के बाद नकाबपोशों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसमें छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष का सिर फट गया। कुछ प्रोफेसर समेत 20 लोग घायल हो गए। घटना को लेकर देर रात तक जेएनयू में अफरा तफरी रही। आइए आपको बताते हैं जेएनयू बवाल से संबंधित सारे अपडेट्स। छात्रावास की बड़ी फीस को लेकर छात्र संघ के बैनर तले परिसर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था। इस दौरान छात्र संघ के 2 गुटों में झड़प हुई। इसके बाद अचानक कुछ नकाबपोश लाठियां लेकर आए और हमला कर दिया। बीच बचाव में कई प्रोफेसर भी घायल हो गए। प्रदर्शनकारी साबरमती टी पॉइंट से साबरमती सहित अन्य छात्रावास पहुंचे। नकाबपोश भी पीछा करते हुए आ गए और हमला बोल दिया। पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। हिंसा के विरोध में रविवार देर रात पुलिस मुख्यालय के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया। उधर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी प्रदर्शन हुआ। जेएनयू में हमले के बाद राजनीति भी गर्मा गई। भाजपा, कांग्रेस सहित तमाम दलों के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जेएनयू में हिंसा उस डर को दिखाती है जो हमारे देश को नियंत्रित कर रही फासीवादी ताकतों को छात्रों से लगता है। वहीं भाजपा नेता रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों से परिसर में शांति रखने की अपील की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा कि हमला SFI, IASA, DSF से जुड़े लोगों ने किया। इसमें ABVP के 15 छात्रों को गंभीर चोटें आई। 11 छात्रों का कोई सुराग नहीं मिला। छात्रावास में खिड़कियां और दरवाजे भी तोड़े गए। जेएनयू छात्र संघ पूर्व अध्यक्ष एनसाई बालाजी के अनुसार ABVP की तरफ से जेएनयू के छात्रों को बुरी तरह से पिटाई की गई है। ABVP के पूर्व डूसू अध्यक्ष समर्थकों संघ जेएनयू परिसर में आया था, जिसने डंडों से छात्रों की पिटाई की है। गृह मंत्रालय ने पुलिस और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से इस बारे में रिपोर्ट तलब की है। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस आयुक्त से बात कर जांच रिपोर्ट तलब की है। घटना की जांच वेस्टर्न रेंज की जॉइंट पुलिस कमिश्नर शाइनली सिंह करेंगी। हंगामे की सूचना पर पहुंचे शिक्षकों को भी नकाबपोशों ने जमकर पीटा। इस हमले में 3 दर्जन से ज्यादा छात्र और शिक्षक घायल हुए हैं। हंगामा बढ़ने के बाद जेएनयू प्रशासन ने पुलिस को दखल करने की मांग की। प्रत्यक्षदर्शी छात्रों ने बताया कि रविवार शाम करीब 5 बजे बड़ी संख्या में नकाबपोश साबरमती टी पॉइंट पर पहुंच गए। उनके हाथों में लोहे की रॉड, लाठी और हथौड़े सहित अवैध हथियार थे। इन्होंने आते ही छात्रों पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में छात्रों में खलबली मच गई और वे जान बचाने के लिए हॉस्टल की ओर दौड़ने लगे। हमलावरों ने भी पीछा किया और हॉस्टल तक पहुंच गए। उन्होंने हॉस्टल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के साथ ही छात्रों को भी जमकर पीटा। शाम 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हमलावर परिसर के अंदर ही मौजूद रहे। ये खुलेआम परिसर में घूमते रहे। जिन किसी ने इसका विरोध किया उसे इन्होंने जमकर पीटा। छात्रों का आरोप है कि नकाबपोश अलग अलग गेटों से परिसर में पहुंचे थे, जिनकी संख्या 200 से ज्यादा थी। जेएनयू छात्रों ने आरोप लगाया कि नकाबपोशों ने सभी को चारों ओर से घेर लिया, जिसके बाद उन्होंने हमला किया। अचानक हुए हमले के बाद छात्रों ने अपनी जान बचाकर भागना शुरू किया। नकाबपोशों के डर से छात्र तो कमरों और पार्कों में पेड़ों के पीछे छिप गए। हमलावरों ने उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पीटा। नकाबपोशों में लड़कियां भी शामिल थी, जिन्हें पहले से हॉस्टल और अन्य रास्तों की जानकारी थी। इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से नारेबाजी जारी है। ऐसे में पुलिस ने समर्थकों को समझाने और जगह को खाली करवाने का प्रयास शुरू कर दिया है, लेकिन दोनों पक्षों के समर्थकों का जूटना जारी है। वहीं पास ही 2 एम्बुलेंस खड़ी हुई है, जो घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए आई है, लेकिन फिलहाल इजाजत न मिलने की वजह से गेट पर ही खड़ी है। इसके कुछ दूरी पर ही PCR वाहन लाइन पर खड़े हैं, जो समय समय पर सायरन बजाकर अपनी मौजूदगी का संदेश दे रही है, लेकिन इसके बाद भी दोनों पक्षों की तरफ से जमकर नारेबाजी जारी है। जेएनयू के मेन गेट पर खबर लिखे जाने तक भारी संख्या में लोग जुटे हुए हैं, भड़काऊ नारेबाजी कर रहे हैं, साथ ही यहां सबको मार पीट रहे हैं। योगेंद्र यादव के साथ ही पत्रकारों के साथ भी धक्का मुक्की की गई। आपको बता दें कि कई पत्रकारों के कैमरे तोड़े गए हैं, जबकि पत्रकारों के साथ भी मारपीट की गई।